excitement I can't ignore. Oh, I feel it tonight. That look in your eyes got me begging for more. Oh, I feel it tonight. There's something inside that I can't ignore. Oh, I feel it tonight. That look in your eyes got me begging for more. साल 2020, मेरी पहली वीडियो गाइस, कालीनाग ट्रैक। उस दिन कालीनाग के शिखर से हम लोगों को एक पहाड़ दिखाई दिया, दूर खड़ा परंतु कालीनाग से बहुत ऊंचा और वृक्षों से ढका एक ऐसा पहाड़ जिसको देख मन में एक अलग सी जिज्ञासा उत्पन्न हुई। जिज्ञासा थी उस पहाड़ में जाने की। 3 महीने बाद खापरचूला ट्रैक। इस बार फिर वही पहाड़ दिखाई देता है, परंतु इस बार खापरचूला के शिखर से वह पहाड़ लगभग हमारी बराबरी में था। पहाड़ का नाम था देवीचूला पर्वत। अब और अधिक जिज्ञासा हो उठी थी गाइस इस पहाड़ में जाने की, परंतु एक कारण था ना जो मुझे इस पहाड़ में जाने से बार बार रोकता रहा, जंगल। देवीचूला के पूरे पहाड़ में बहुत घना जंगल होने के कारण टॉप से आसपास का व्यू मिल पाना मुश्किल था। इसी कारण हर वीडियो में इस पहाड़ का जिक्र होते हुए भी ट्रैक का प्लान कभी बन नहीं पाया गाइस। बाद में अलाइमल देव और शिखर की वीडियोस में भी इस पहाड़ का जिक्र हुआ। हालांकि ऊंचाई में होने के बाद भी पेड़ होने की वजह से नज़ारा बहुत बेहतरीन नहीं होता, पर किसी पहाड़ पे ट्रैक करके पहाड़ को एक्सपीरियंस करना भी अपने आप में एक अलग अनुभूति होती है गाइस। इसी सोच के चलते निश्चित कर लिया था कि अगला ट्रैक देवीचूला ही होगा। तो गाइस गाइस और गाइस, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत न्यू ट्रैक वीडियो में। और आज अपना ट्रैक होने वाला था देवीचूला का। घंटी लगी हुई है। अब भाई इनका तात्पर्य ये तो नहीं है यहाँ पे कि भाई इन जंजीरों से चढ़ते हुए जाने, वहाँ पे जाके घंटी बजानी है, नीचे आने हो सकते है। आपका कहना सही है, बिल्कुल ऐसी है। नंगे बन्ने अंगुली भी कहाँ अटकेगी यार। अरे नाइस यार, अरे बहुत बढ़िया लौंडे, बहुत बढ़िया यार। अरे एक नंबर मजेदार, बहुत बढ़िया भाई, एक नंबर मजेदार। नितेश भैया मजा आ गया। तो गाइस वीडियो पूरी जरूर से देखना, वीडियो बहुत बढ़िया होने वाली है। इस वीडियो में हम एक ऐसे जंगल से गुजरे जहां शाम को 5 बजे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि रात हो चुकी है। गाइस अभी आप जो ये सीन देख रहे हो ना, मंदिर का सीन चल रहा है। देवीचूला पीक के टॉप में पहुंचने के बाद हमको देखने को मिलते हैं भागलिंग देव जी का शानदार मंदिर। उत्तराखंड में किसी भी पहाड़ के चोटी पे आप लोग चले जाइए, वहाँ पे आपको कोई ना कोई मंदिर देखने को जरूर मिलेगा गाइस। और इसी एक बात से साबित होते हैं ना कि उत्तराखंड में देवी देवताओं की कितनी अधिक मान्यता है। तो चलिए गाइस अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, दिखाते हैं आपको सीन कौन कौन लड़के थे, किस तरीके से हम लोग सफर पे निकले। इस वीडियो को शुरू करते हैं अपने प्यारे गाँव बलतीर से। तो गाइस गाइस और गाइस, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत न्यू ट्रेवल वीडियो में गाइस। गाइस आप लोगों ने काफी दिनों से सुना होगा यार, देवीचूला मैंने खापरचूला व्लॉग में आपको दिखाया था, शिखर भनार में भी मैंने आपको टॉप से देवीचूला दिखाया था, नरू सरवा जहाँ पे हम बैठ रखे थे, और ऐसी कई जगह यार जहाँ से देवीचूला साफ साफ दिखाई देती है। भाई इस लोकेलिटी की ना बहुत ऊंची पहाड़ी है। तो आज जा रहे देवीचूला, विचारों के दोनों के पेपर चल रहे थे इसलिए आ नहीं पाए भाई शिखर भनार वाले में, ज्वाइन करने का काफी मन था इनको। बाहुबली भैया फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत, बुलेट बुलेट देख के मजा आ जाते हैं बाबू, बहुत बड़े थे। बाहुबली भैया ज्वाइन हो चुके, पेपर वेपर हो गए आपके कंप्लीट, फिर बिल्कुल डन, बस बढ़िया अब निकले फिर। चलो भाई चलते हैं यहाँ से आगे, दिखाते रहेंगे आपको सीन 6 लौंडे एक बार देवीचूला की ओर, यानी घोड़पट्टा वाली पहाड़ी गाइस। तो गाइस इस तरीके से हम लोग रवाना हो गए थे अपने सफर को। रूट सेम वही था जो अलाइमल देवता जी के टेंपल जाते टाइम था। हमको आधे रास्ते तक तो सेम रूट में जाना था, और एक जगह ऐसी थी जहां से देवीचूला की पहाड़ी दिखाई देती है साफ, तो वहां से गाइस हम राइट हो लिए थे अलाइमल के लिए, लेकिन इस टाइम हमको लेफ्ट होना था घोड़पट्टा की तरफ देवीचूला के लिए।
तो गाइज अब आपको रास्ते में एक जगह दिखाते हैं जहाँ पे हम रुके और जहाँ पे हमने चने और आलू खाए गाइज, स्वाद एकदम स्वाद। ये सीन देखे यार, यहाँ पे अपने लौंडे बैठे हुए हैं, ये जगह भाई भादड़ भाई, यहाँ पे ना थोड़ी पेट पूजा करके जाते हैं क्योंकि इसके बाद हमने थोड़ा ट्रैक करने हैं 4-5 किलोमीटर का। भैया शानदार छोले भाई, शानदार छोले देखिए, आलू और चने और ऊपर से प्याज भाई, कटा हुआ प्याज देखिए स्नैपचैट ये देखिए, और अपने नितेश भैया स्नैपचैट के फिल्टर्स के साथ कमाल मचाते हुए। वाह यार कलर ग्रेडिंग तो यहाँ से हो रही है वैसे तगड़ी देख। इस तरीके से भातड़ में बढ़िया खाना खा के पेट पूजा करके हम लोग आगे निकल लिए, और अभी आपको फ्रेम पे जो पहाड़ी दिख रही है ना, ये है देवीचूला की पहाड़ी, और देख सकते हो गाइस वहाँ पे हो गई थी बारिश स्टार्ट, तो हमको थोड़ा सा भाई था कि कहीं रास्ते में भीग ना जाए। ये देखिए गाइस, वाह भाई वाह, शानदार यार शानदार भाई। जिस टाइम हम अलाइमल देव के लिए निकले थे ना, उस दिन हम इस जगह पे से राइट कटे थे और आज हमको कटना था लेफ्ट। उधर जाने हैं, देखो यार जो यहाँ से पहाड़ी दिख रही है ना भाई, कोहरे से ढकी, आधे में कोहरा लगा पड़ा भाई, इधर जाना है हमको। ये है भाई देवीचूला की पहाड़ी यानी घोड़पट्टा की पहाड़ी भाई, इसके पल्ली साइड में डिडीहाट है। अगर देखो रोड यहाँ से आती है, ये रोड अगर आगे जाए ना घोड़पट्टा आएगा वहाँ, घोड़पट्टा से ऐसे रोड कट के भाई इसके पीछे साइड इधर इधर डिडीहाट है गाइस, इसके पीछे साइड, और इस साइड भाई ये अपना एरिया थल वाला। देखिए गाइस यहाँ से कालीनाग दिखाई पड़ रही है बहुत ही शानदार सामने पे गाइस, देखिए कालीनाग में भी कोहरा लगा पड़ा है, वाह। और साथ में भैया बारिश आने लगी यहाँ पे हल्की हल्की, भैया हर ट्रैक में यही सीन हो रहे हैं, ट्रैक शुरू करते हैं बारिश आ जाती है गाइस, ऐसा कुछ सीन है भैया। अभी यहाँ पे थोड़ी देर, यहाँ पे देखो यहाँ पे थोड़ा बारिश कम होने का वेट करते हैं, 4 किलोमीटर ज्यादा नहीं है, आराम से जाएंगे। तो गाइस देखिए हम भाई इस साइड से आए थे, और घोड़पट्टा अगर बताऊँ ना तो यहाँ पे घोड़पट्टा देखिए गाइस, सामने पे इधर घोड़पट्टे हैं, तो हम इस साइड से आए अल्ट्रा वाइट, ये देखिए गाइस हमको इधर से अंदर जाने हैं, तो भाई इस रोड से भी निकलना है। देखे गेट भाई, यही रोड आगे भंडड़ा के लिए जाती है, नन पापा भाई यहाँ से फिर ये रोड ना आगे घूम के भाई डिडीहाट मिल जाती है, तो भाई ऐसा सा सीन है, यहाँ से जाना है अभी हमको, निकलते हैं भाई यहाँ पे से अंदर को भंडड़ा वाली रोड में। ओए सिराकोट भाई भाई भाई, अल्टीमेट व्यू यार, अल्टीमेट व्यू गाइस, देखे यहाँ से पूरा डिडीहाट टाउन दिख रहा है, और यहाँ पे देखे गाइस ये है सिराकोट की पहाड़ी, ये देखे गाइस ये वाली पहाड़ी है सिराकोट की पहाड़ी गाइस, काफी हाइट में मंदिर है मलाईनाथ जी का टॉप पे। यहाँ से सबसे पहले हमको गेट तक जाना है, गेट तक सीधा ही जाने, फिर गेट के बाद बाएं फील्ड थोड़ा ऐसे आएगा, हाँ वहाँ से बाएं लेने, हाँ बाजी पीछे ये जाना, हाँ चौथा ही है, पर रोड आएगी, रोड के वहाँ पर एक गेट है, हाँ गेट क्रॉस करना, सीधे सीधे जाना रोड, ये पैदल रोड, पैदल रास्ता, पैदल रास्ता चल रहा जी, वो रास्ता तुम्हारा सीधे ऊपर फिर मंदिर में जाएगा। तो गाइस देखिए यहाँ से होता अपना ट्रैक स्टार्ट, गेट ये रास्ता है भाई ऊपर जाने का, नीचे पे दुकान में गए थे वहां से कोक वोक ली भाई हमने अभी, ये मंदिर बहुत बड़ा है यार, शानदार भाई शानदार। वो है बैग भाई, बहुत बड़ा मंदिर है यार ये, नन पापू गाइस नन पापू, यहाँ पे भी एक पत्थर है गाइस, यहाँ पे ना नीचे पे अंकल जिन्होंने रास्ता बताया वो बता रहे थे कि यहाँ ज्यादातर हर मंदिरों में ऐसे बड़े पत्थर रखे हुए हैं गाइस, हर जगह भाई हर जगह, मजेदार है, बहुत बड़ा है भैया बहुत बड़ा भाई भाई भाई, ये तो भूल है, ये तो और बड़ा है अभी, लेकिन ये लकड़ी से है, ये लकड़े लुठूनी वाल से, अलाईमल से बड़ा है अभी, अलाईमल से बड़ा पत्थर है, लकड़ी से उठाने वाले हैं। यहाँ पे एक और गेट आ गया, यहाँ पे फील्ड, जो अंकल जी ने बताया था ना कि फील्ड से आपको कटने हैं, काफल के भी है ना टॉप में यार, देवीचूला के टॉप में बोल रहा था कोई, तो बोल रहा था मेरे से टॉप में काफल के पेड़ है काफी सारे, तो थोड़ा सा आगे चलने के बाद इस तरीके का कुछ रास्ता है, देख सकते हो घास वास वाला, पक्के मार्ग ने ज्यादा हमारा साथ दिया नहीं, काफी घर वर है, यहाँ पे भी एक घर है गाइस देख सकते हो, इधर दिखाते रहेंगे आपको, यहाँ से ऊपर जा रहे हैं अभी। इधर है पानो, लग रहा है क्या बस 4 किलोमीटर वाली नौबत अभी भी आने वाली है। ओ भाई ऊपर तो जाना ही है भाई, देखिए गाइस वहां तक तो जाना है यार, सामने जो पहाड़ी दिख रही ना वो तो इसका टॉप होगा ही होगा यार, क्योंकि वो सामने देखना, इधर तक तो जाना ही होगा, ये 2 किलोमीटर किस एंगल से लग रहा है यार, क्योंकि गाइस देवीचूला का टॉप एक मंदिर है, इनसे पूछते हैं, यहाँ से एक और अंकल जी आ रहे हैं, इनसे रास्ता पूछते हैं, बताते हैं पीछे भाई डिडीहाट टाउन, ये देखिए शानदार भाई, इस जगह से नज़ारा कुछ ऐसा सा है, देखिए गाइस सामने दिख रही है सिराकोट, वहाँ पे देखिए गाइस देखिए इस तरह की जगह है
क्या हो गया? ये पूरा वैसे हुआ होगा क्यों? पानी वानी आके, पानी आनी आके ऐसे हो रखे हैं यहाँ पे। हाँ जिंदा नाला आता होगा ना, बरसाती नाला। देवी चूल जानी बाट का भी हो, देवी चूल इट्यून लाइन है मिल के। ठीक है। काला वाला सांड देखे अंकल जी बता रहे हैं उड़ाता है बहुत दूर तक। एक शॉट में भेल फाड़ दे भाई, भाई 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 इस टैंक की बात हो रही थी यहाँ पे। शानदार भैया शानदार, देखिए भाई ये एरिया कुछ अलग ही लग रहा है यार, नहीं लग रहा ये वाला यार? ये कुछ अलग एरिया, सही कह रहा है भाई, मैंने भी देख रखे है सपने में माँ के साथ। ये जगह कुछ अलग सी लग रही है यार गाइस, देख सकते हो भाई इस साइड पे ना मिट्टी के बड़े बड़े टीले से दिख रहे हैं। देवी चूल्हा भाई, खूबसूरत देवी चूल्हा। तो गाइस अंकल जी से रास्ता पूछने के बाद यहाँ से उन्होंने रास्ता बताया हमको, आगे बढ़ते जाना है इसी रास्ते में। देखिए भेड़ बकरियाँ हैं यहाँ पे कई सारी, और चराने वाले आ रखे उनके साथ में। स्पीकर निकालो ना पहले भाई। उनका कहना है ना यहाँ से मंदिर का टॉप 3 किलोमीटर है, लेकिन आप बताओ गाइस ऊपर पहाड़ी कितने किलोमीटर लग रही है आपको टॉप पे? मुझे कुछ ज्यादा लग रही है। कुछ अलग सा सीन, कुछ अलग सा सीन, ये देखिए कुछ अलग सा सीन। अपने नितेश भैया कुरकुरे की लड़ी लटका के ऊपर को अग्रसर। हर ट्रैक में स्टार्टिंग हमारे भाई, ये तो है यार 6 कुरकुरे हैं 6 लोगों के लिए। मीनवाइल आप ये देखिए गाइस शानदार बकरियां भाई, ए आतो रे, ए आतो रे, ये देखो ये देखो अपने बल का प्रदर्शन कर जिंदा फुटबॉल। ए बुझवाए नहीं दो, बुझवाए नहीं दो, मजाक यार आगे होने उसने होना फुटवाई है। वो सवार है। कुछ खिला दे इनको, कुछ है क्या? कुरकुरे तो कुरकुरे खाते हैं। वो देखो ये हाथ वाथ खा देंगे यार। ओ भाई क्या कर रहे हैं इस टाइप का? ये पैची ये सारे बुटवे भाई देखो इतने सारे बुटवे घूम रहे हैं। ये देखिए श्रद्धा वाला, श्रद्धा वाली बकरी घुटना उठना टेक के वो क्या कांच खा रहे, कांच खा रहे हैं। हाँ ये बैग में डाल, वो बैग में डाले भाई शानदार यार। इतने सारे भुटों के साथ खेलने के बाद भाई अभी लग चुके हैं रास्ते को तो गाइस देखिए इस जगह पे बैठे हुए थे कुछ देर का यहाँ पे ब्रेक लिया हमने, यहाँ से काफी शानदार नजारा देखने को मिल रहा है गाइस। और नीचे देखे यार बहुत शानदार गाइस, यहीं से ऊपर रास्ते देखिए भाई। किसी ने बोला था 3 किलोमीटर भाई, 3 किलोमीटर तो कहीं से कहीं तक नहीं है भाई। भानु सेव समझ के खाना मत, देखो गाइस पहाड़ी सेव दिखाते हैं, खासकर देवी चूल्हा में पाया जाता है। गाइस देखिए यहाँ पे गेट आ गए, जिस गेट का जिक्र हुआ था पहले, इस वाले रास्ते से वैसे हमको आना था यहाँ से ऊपर, लेकिन हम पता नहीं इस वाले रास्ते से कहीं जंगल से होके आए, पता नहीं रास्ते का थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया हमको। अब गेट तो आ गया भाई, यहाँ से देखते हैं जय भागलिंग देवता भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है जय भागलिंग देवता। तो माना जाता है गाइस जो मलयनाथ स्वामी जी का मंदिर है डीडीहाट में, उनके पिताजी थे भागलिंग देवता नीचे, क्योंकि उन्होंने बताया था लोकल गाँव वालों ने नन पापों के। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा कार्य। तो चलते हैं आगे, दिखाते रहेंगे आपको सीन, जुड़े रहेंगे आप लोगों के साथ भाई। सीन शानदार यार, सीन शानदार अल्टीमेट भाई। दाव देर के पेड़ यहाँ पे प्राकृतिक तालाब भाई, चट्टान घटी पड़ी है इतने में, और बीच में भाई गड्ढा हो रखा है बहुत बड़ा और पानी भरा हुआ है, और भाई ऐसा लग रहा है कि भाई एकदम परफेक्ट कट रखा है भाई। तो भाई जंगल देखे काफी शानदार, और अभी काफी ऊपर और जाना है यार, इसका टॉप ना अभी भी काफी ऊपर है। अब भाई मंदिर हो सकता है इधर उधर, लेकिन भाई टॉप काफी ऊपर है घुड़पट्टा की पहाड़ी का, उधर तक तो जाना ही है गाइस। फिर दिखाते हैं सीन, जंगल घने भाई इस तरीके से, अपने टीममेट सारे चलते हुए कुछ आगे चलते गए, फिर दिखाते हैं आपको सीन भाई। बहुत खतरनाक भाई, देखिए जंगल केड़ा। भानु भैया, योगेश भैया, नितेश भैया, दीपक भैया, मयंक भैया, भाई जंगल केड़ा भाई, जंगल केड़ा सच में यार गाइस, देख सकते हो अद्भुत जंगल यार एकदम भाई। तगड़ी लोकेशन लग रही है, अपने लैंडस्केप से कई दूर आ चुके ऐसा लग रहा है, लेकिन भाई 25 किलोमीटर के दायरे पे हैं। सीन देखिए गाइस यार, भैया तगड़ा यार, कैसा जंगल है देखना।
अल्टीमेट भाई अल्टीमेट। यहाँ से ज़्यादा नहीं है, 1.5-2 किलोमीटर है, तो पहुँच जाएंगे गाइज अभी आधे घंटे में फिर दिखाते हैं आपको। गाइज 3 किलोमीटर अप्रॉक्स पैदल आ चुके हैं भाई, 2 किलोमीटर अभी है भाई, तो 5 किलोमीटर मान लो भाई यहाँ से लेके नीचे जहाँ से आपको पैदल ट्रैक करने हैं। कैसे जीप से बजा, ओ बेटे बजा बजा बजा, कैसे कर रहे हैं यार ये। यार सोच सकते हो यहाँ पे सारे गीले हो रखे अभी पत्ते, धूप आने के बाद कितना टाइम लगता होगा इनको सूखने में। भाई ये जंगल ज्यादातर गीला ही रहता है क्योंकि धूप देखेगा इस कहाँ से आएगी गाइस, कहाँ से। ऐसा सही गैप है भाई, हर जगह कहीं कहीं पे बीच में गैप है और घना जंगल है गाइस। शानदार यार, ये एक्सपीरियंस भी अलग सा था यहाँ पे आके। भाई भाई सीन देखो, कोहरा लगा पड़ा है इधर और अप्रॉक्स हम पहाड़ी के टॉप पे आ चुके हैं। दिखाते गाइस आपको आगे आगे, शानदार भाई कोहरा देखे किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं भैया। अभी चलते हैं थोड़ा ऊपर गाइस, इस पहाड़ी के एंड तक तो जाएंगे, टॉप तक, फिर दिखाएंगे आपको वहाँ से सीन। गाइस यार इस पहाड़ी में ना पूरे पेड़ वेड़ हैं तो उतना अच्छा व्यू दिखता नहीं। देखिए गाइस मंदिर ऊपर पे है, कैमरा ऑफ नहीं करते, ले चलते हैं आपको सीधे मंदिर। देखिए यार भाई मंदिर बहुत बड़ा है, शानदार, एक नंबर। अभी चलेंगे, पहले थोड़ा झूले के शॉट्स देखिए गाइस। यस लगा हमरो के टूरिस्ट है भैया, झूली हल हमरो। भाई एक अल्टीमेट सीन देखिए गाइस, घंटी लगी हुई है। अब भाई इनका तात्पर्य ये तो नहीं है यहाँ पे कि भाई इन जंजीरों से चढ़ते हुए जाने, वहाँ पे जाके घंटी बजानी है नीचे आने, हो सकते हैं नंगे पन्ने। अंगुली भी कहाँ अटकेगी यार, अरे नाइस यार, अरे बहुत बढ़िया लौंडे। बहुत बढ़िया यार, अरे एक नंबर मजेदार, बहुत बढ़िया भाई एक नंबर मजेदार। नितेश भैया मजा आ गई। गाइस देखें नितेश जी के शानदार प्रस्तुति के बाद पहुंच चुके हैं भागलिंग द्वार में। ये है 1008वें नहीं भागलिंग द्वार। भैया 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 नाइस नाइस नाइस, कृपया दीवारें साफ करें। वाह नाइस, भाई शानदार नज़ारा यार, शानदार नज़ारा भाई, क्या ही सीन दिखाई पड़ रहा है यहाँ से, क्या ही सीन यार। लेकिन अभी हल्का सा कोहरा है इसीलिए पता नहीं चल रहा गाइस। अल्टीमेट व्यू है गाइस यहाँ से, बहुत शानदार यार। अच्छा एक रास्ता यहाँ से आ रहा है गाइस, देखिए गाइस जो ये मंदिर है ना भाई, इसके टॉप तक एकदम पेड़ ही पेड़ है। टॉप पे अगर इसके पेड़ नहीं होते एक नंबर अल्टीमेट व्यू होता गाइस। यहाँ पे देखिए भाई कोहरा आते जा रहे हैं, तगड़ा वाला एकदम अल्ट्रा वाइड, शानदार यार। भाई ये साता तो नहीं दिख रहा यार सामने, हो सकता है बाबा, हो सकते हैं भाई। 5:50 हो चुका है भाई, 6 बजने वाले हैं भाई, अब निकलते हैं यहाँ से घरों को यार। भाई कोहरा आ चुका है टॉप पे, वाह यार वाकई शानदार भाई, वाकई शानदार। इस साइड को देखो यार भाई, पूरा कोहरा आ चुका है, ठंडा लग रहा है भाई बहुत गजब का। भाई नीचे देखो यार नीचे, क्या कहने भाई, क्या कहने भाई साहब। भाई ऐसी खड़ी खाई दिख रही थी यहाँ से जब हम देख रहे थे भाई, यहाँ से व्यू ढूंढने की कोशिश करी लेकिन अनफॉर्चुनेटली भाई व्यू नहीं दिख पा रहा यहाँ से क्योंकि चारों तरफ से भाई पैक है पूरा। लेकिन गाइस व्यू से बड़ी चीज जो यहाँ पे है ना, जो यहाँ पे मन को भाई आती है भाई, जो यहाँ पे नेचर है, जो यहाँ के पेड़ पौधे हैं भाई, अलग सी यहाँ पे एक शांति है, कुछ अलग से ही मजे यहाँ पे आ रहे हैं। बैठे कुछ देर यहाँ पे, देखो यहाँ बैठ रखे थे इस वाली धर्मशाला में, बैठ रखे थे यहाँ पे। शांति है जंगल में बहुत ही ज्यादा यार, और जंगल बहुत ही घनघोर भाई, घनघोर जंगल एकदम। चलते हैं भाई अभी लौटते हैं घरों को वापस यार, यहाँ से भी नीचे जाने में 1.5 घंटे लग जाएंगे। घर पहुंचने के बाद ये नहीं काटूंगा, है जालू ऐसा सीन है गाइस। देखिए मजेदार यार, मजेदार भाई। अभी निकलते यहीं से आए थे देखो घरों को, भाई झूला शानदार भाई, ठंडा लग रहा है भैया, ठंडा लग रहा है। निकलते हैं अभी घरों को भाई, फिर दिखाते नीचे लौटते टाइम का सीन। तो गाइस अभी लौटने लगे नीचे को, यहाँ से आराम से चिल करते हुए बढ़िया तरीके से। दिनेश भैया क्या कहना चाहोगे, त्रिनेश भैया भाई कुछ ऐसा जंगल है देखिए, बस शानदार। भावेश भैया चलते हुए आ रहे पीछे से, इसका ऐसे मतलब क्या होता है भानवी इसका है? ना, और ये क्या हुआ, ये बताना ओए। लेकिन भानु आपको फोटो मिली नहीं है, बताओ अच्छी वाली फोटो मिली नहीं आपको, और रील संतुष्ट हो रील से, लाइक करना फॉलो करना। हाँ अकाउंट बताओ ना, अभी मैं कहाँ करेंगे फॉलो, अकाउंट क्या है
तो गाइज कुछ इस तरह हम लोग सायंकाल अंधेरे जंगल से होते हुए अपने अपने घरों को रवाना हुए। देवीचुला एक ऐसा पहाड़ है जो डीडीहाट क्षेत्र के उच्चतम पहाड़ों में से एक है और पहाड़ के टॉप में भागलिंग देव जी का शानदार मंदिर है जो अपने आसपास घने वृक्षों से ढका है और बहुत ऊंचाई में स्थित है। गाइज शानदार अनुभव रहा गाइज देवीचुला पर्वत का। थल डीडीहाट रोड में थल से 15 किलोमीटर दूर और डीडीहाट से 8 किलोमीटर पहले घुड़पट्टा में स्थित इस पहाड़ को घुड़पट्टा का पहाड़ भी कहा जाता है। गाइस पहाड़ों में सुकून है यार, बहुत सुकून। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक दे देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मिलता हूँ आप लोगों से बहुत जल्द एक ऐसी ही तड़कती भड़कती वीडियो के साथ। टिल देन बी सेफ एंड बाय बाय।